अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ इजाज़ और आप देख रहे हैं दिस नोट्स यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी के लेक्चर जो है वो कंटिन्यू है और आज हम लेक्चर नंबर 28 में बात करेंगे कि हाउ टू ऑर्गेनाइज लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो गाइज़ यहाँ पे डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशन, इस बात का क्या मतलब है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, ठीक है। तो जब गाइज़ हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसको लिखना भी होता है, ठीक है। तो जब हम उसे लिखेंगे तो उसके लिए कुछ पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने लिटरेचर पढ़ा और उसके बाद आपको आप उसको समराइज फॉर्म में या आप उसे मतलब कि एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह आप ऐसे लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं कॉलेज या स्कूल के लिए, उसमें इंट्रोडक्शन होता है, इसी तरह बॉडी होती है और इसी तरह लास्ट में कंक्लूजन होता है, तो इसी तरह यहाँ पे आप जब लिटरेचर लिखेंगे तो इसके लिए भी कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, ठीक है, मतलब एक पैटर्न है। तो अब एटलीस्ट थ्री बेसिक एलिमेंट्स इन रिव्यू, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना चाहिए, इंट्रोडक्शन में बेसिकली सेंट्रल थीम या ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न हमें बताना चाहिए। तो यहाँ पे गाइज मतलब क्या है कि डिफाइन योर टॉपिक या प्रोवाइड अप्रोप्रिएट कंटेक्स्ट फॉर रिव्यूइंग द लिटरेचर, ठीक है, क्यों आप पढ़ रहे हो, मतलब कि एस्टेब्लिश योर रीजंस, ठीक है, बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना चाहिए। और इसी तरह आपको स्टेट द स्कोप ऑफ रिव्यू, ठीक है, रिव्यू स्कोप बताना चाहिए कि व्हाट इज़ इंक्लूडेड एंड व्हाट इज़ंट इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इंट्रोडक्शन में करनी चाहिए। अब गाइज यहाँ पे बॉडी में क्या है कि डिस्कस सोर्सेज दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इधर, ठीक है। तो यहाँ पे तीन हमारे पास मेथड्स है। अब हमें मेन बॉडी में क्या इंक्लूड करना चाहिए, तो यहाँ पे हमने मतलब कुछ कॉमन थीम्स है जिसके बेस पे हमें चलना चाहिए, जो कि क्रोनोलॉजिकल है, थेमेटिकली है, मेथोडोलॉजिकली है। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें हैं, ये थीम्स हैं जिसको हमने बताना होगा, ठीक है, डिस्कस करना होगा। अब यहाँ पे गाइज बॉडी में हमने क्या करना है कि हमने जनरल व्यू से अपने स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ आना है, ठीक है। हमने पहले जनरल व्यू आपको मतलब बताना है, सारे जितने भी मतलब रिसर्चर ने जितने भी काम किए हैं तो सारा एरिया हमने बताना है। उसके बाद अपने जो हमारा स्पेसिफिक व्यू है वो हमें बताना चाहिए, ठीक है, बॉडी में, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे बॉडी तो कंप्लीट हुई, अब यहाँ पे हमने कंक्लूजन की तरफ बढ़ना है। तो कंक्लूजन मतलब रिकमेंडेशंस हमने किस तरह लिखने हैं, तो इसके लिए What you have to draw from reviewing literature, identify the main research gaps and issues that need to be resolved, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज सिंपल सी बात लिखी हुई है कि आपको क्या करना चाहिए, समराइज द इम्पोर्टेंट इट्स एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ लिटरेचर, ठीक है। जितने भी हमारे पास मतलब पिछले जितने लोगों ने रिसर्चेस किए हैं उसी टॉपिक के मतलब, ठीक है, तो अब आप क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो आप गैप को आपको बताना चाहिए, इशूज़ जितने मतलब पिछले जितने भी रिसर्चेस थे उसमें जितने भी इश्यूज थे वो आपने रिजोल्व अगर किए हैं, आप करना चाहते हैं, तो वो आपको कंक्लूजन में मस्ट लिखने चाहिए। मतलब कि आपको एवोल्यूशन करनी चाहिए, एवोल्यूएट द करंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। और इसी तरह मतलब कि आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंस फ्लास, ठीक है, या गैप्स इन एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।